हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबी हॉर्नेट के बारे में। बेसिकली सब कुछ जान लेंगे कि ये Bs6 के इंजन के साथ कब तक मिलेगी, प्राइस कितना बढ़ेगा और कितना आप लोगों को फीचर्स इसके साथ एड ऑन होकर मिलने वाले हैं। वैसे तो हाल ही में भी कंपनी ने अपनी SP125 को लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट के अंदर। तो बात करते हैं इस बाइक के बारे में। इसमें आप लोगों को सेम वही 160cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। अभी तक बाइक कार्बोरेटर के साथ आती थी, बट आपको FI मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। ठीक है, पावर की बात कर ली जाए तो 14.9 bhp का पावर, 14.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क अभी तक ये बाइक प्रोड्यूस करती थी। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत गैपिंग देखने को मिले, डिक्रीज इंक्रीज मिल सकता है पावर और टॉर्क के बीच में। बात कर लेते हैं गाइज की इसके लुक्स में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। तो लुक्स में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी LED लाइट्स आपको ऑलरेडी कंपनी ने थोड़ी कुछ टाइम पहले ही देनी है, अवेलेबल कराई थी। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास चेंजेस मिलने वाले हैं। हाँ, आपको न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर्स मिल सकते हैं बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं जो मेजर अपडेट्स होने वाले हैं बाइक के अंदर। आपको किल स्विच मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस बाइक के अंदर आप लोगों को किल स्विच नहीं मिलता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो होंडा यूज़र थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि यार इसमें किल स्विच तो देना चाहिए था, क्योंकि इस सेगमेंट के हर बाइक में आप लोगों को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको अब किल स्विच मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। माइलेज की बात कर लें तो लगभग आप लोगों को 12-15% एक्स्ट्रा माइलेज मिलने वाला है, क्योंकि बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ जाएगा, जिससे कि माइलेज आपको थोड़ा बहुत बढ़कर मिलेगा। वैसे तो अभी कंपनी ने जो अपनी SP लॉन्च करी थी, तो उसके अंदर बिल्कुल ही न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया। तो इसके अंदर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हॉर्नेट के भी जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग गाइस मुझे बताना कि आप लोगों को और भी क्या क्या चीज़ें चेंजेस करानी है बाइक में। वैसे तो बाइक मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी है। बाइक के प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 8-10 हज़ार रुपये मान के चलो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 2-3 हज़ार या 5 हज़ार तक, मिनिमम से मिनिमम 8-10 हज़ार रुपये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो लेने की तो गाइज देख लो। बाकी BS4 और BS6 में यार कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप BS4 अभी भी अगर आपको अवेलेबल हो रही है तो यार आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उस बाइक के साथ। लॉन्च डेट की बात कर ली जाए तो आप लोगों को ये बाइक फरवरी तक मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो भाई लोग कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा।